भैया घर में ध्यान से आना, हमने कुत्ता पाल लिया है। मैं नकल आंसू अगर सबसे घटिया कोई इंसान इधर आ जाओ, कौन तुझे कौन लगता है? कौन पड़ा, वो पड़ा। अगर सबसे बढ़िया इंसान कोई है इस घर, वाह भाई वाह भाई वाह, क्लैपिंग कर दो भाई नासिर भाई के लिए, भाई वो पापी क्लैपिंग कर दो भाई नासिर के लिए, वाह भाई वाह। सो हेलो गाइस, सबसे पहले अभिषेक ने वॉचिंग मैं चैनल ताबिज डायरी। दोस्तों सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तो भाई इसका जो है मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और अभी भी मैं इसकी पोटी भी क्लीन करके आया हूँ क्योंकि ये भाई साहब ना पेपर पर कर ही नहीं रहा है या फिर इसको धीरे धीरे आदत होगी। इसकी वजह से ना मुझे डेली सुबह 5:30 से 6 बजे उठना ही पड़ता है, या तो ये उठा देता है रो रो के, या फिर नासिर भाई उठा देता है, गुड़िया उठा देते हैं कि उसने पोटी कर दिए, सुसु कर दिए और तेरा अडोप्ट क्या हुआ है जाके, तो इसकी पोटी या सुसु क्लीन कर फिर मुझे करनी पड़ती है। तो बेचा नासिर भाई जा रहे हैं आज, नहीं कहाँ जाना? दिल्ली। दिल्ली का मैं कहाँ पे? मुंडका। क्या है? साले ही सगा में। मतलब क्या है, और ससुराल है? क्या है? ससुराल। आज नासिर भाई अपने ससुराल जा रहे हैं, क्या बात है, आज तो सेवा पानी होगी, आज तो नाजिर की इज्जत होगी, इज्जत नाश्ते रखे जाएंगे अलग अलग तरीके के। कुछ मन्ने नहीं तरीके है? कुछ ना रखा जाए, कुछ नहीं रखा जाए, क्यों नमकीन मटर दे दे, पता ये ना खाते हम ये ना नमकीन और मटर रख देते हैं बस, वो तो ये भी खाते हम। तो तू क्या चाहता है भाई, तू क्या चाहता है फिर? मैं चाहता हूँ कम से कम शाही पनीर चाप नान। हैवी खाना है तो नासिर भाई जाते हैं, जब मैं ससुराल जाऊँ तो हैवी खाना खाऊँ मैं। तो ससुराल में भाई अगर कोई देख रहा है नासिर भाई के साले वाला, तो भाई इसको हैवी खाना दिया करो, मटर नमकीन से इसका दिल भर चुका है। और आज देखो नासिर भाई ने फोमेंट डाले हुए, क्या बात है, आज तो मजा आने वाले नासिर भाई। तो भाई नासिर भाई के ना साले की सगाई है, एंगेजमेंट है, तो नासिर भाई वहाँ पे जा रहे हैं आज। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाभी नहीं जा रही है, खाली नासिर भाई जा रहे हैं। शाम को आया, कल आएगा शाम को वापस, और मैं दोस्तों पोगो की तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है क्योंकि ना अभी ये खाना खा रहा है और एक्टिव भी हो गया है, मेडिसिन का असर हो गया इसको जो हमने रात को दी थी कल अम्मी ने। मैंने एक्टिव हो गया वो बच्चा, तबीयत ठीक है अभी आपकी? मैं जूस वाला भी आ गया सामने, हमारा जूस भी आ गया, अब हम जूस पियेंगे। आपने तो अपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे जूस के साथ। हाँ बेटा ये आपकी बोन्स नहीं है, ठीक है, आपकी बोन्स लगे दूँ, लगे दूँ, लगे दूँ अम्मी, इसके एक बोन तरफ बोन हड्डी ये ले आए भाई अम्मी, इसके बोन लाओ, ये मेरी उंगली छुपा रहा है बोन्स उंगली के, ले इसको छुपा छुपा, हाँ आखा, हाँ ये 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 बात, ये बात भैया घर में ध्यान से आना, हमने कुत्ता पाल लिया है। इसको ना उंगली काटने की आदत थी तो मैं इसके लिए बोन्स ले आया, मैंने कहा तू इसको काटा कर, ये तो इसकी आदत है खास, थोड़ा सा एक्टिव हो गया ना दवाई देने के आदर में। देखो 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 आराम से बैठ के सही बंदे को देखो, देखो ये इसको, इसका टेस्ट पसंद आ गया, इसका बोन्स का। टॉयलेट पेपर में भैया टॉयलेट नहीं कर रहा है, बाथरूम भी ना घर में कर रहा है अभी भी, पता नहीं इसको कब समझ में आएगी, क्या करे फिर, बस यही बस ये और उस पर करना सीख जाए, दुख धुल जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपना जूस पी लेता हूँ, तब तक मुझे आप प्लीज कमेंट में ये बताए कि मैं पेपर ले आया हूँ इसके लिए, बट ये फिर भी ना बाथरूम इधर कर रहा है, इधर बाथरूम कर रहा है, मतलब पेपर पे नहीं कर रहा ना ये टॉयलेट कर रहा है, मैं क्या करूँ मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना तंग आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मतलब इसका हैंडल करने में। हाँ मैं कह रही मैं ज़्यादा तंग हो रही हूँ, तो मतलब मुझे बताओ यार मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तेरे सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं, होता है सब्सक्राइबर्स मिलने हैं तुझसे, हाँ पूछ लो किससे मिलने हैं भाई आप,
तो भाई पीछे इनका चल रहा है ब्रेकफास्ट सुबह के 8:30 बजे और मैं जा रहा हूँ बाबा कलकत्ता जा रहा हूँ ठीक है कलकत्ता जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ भाई दादी के घर चाचा जी के पास। हाँ ठीक है शाम के शाम है ठीक है मैं टाइम से आऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाचा के पास खरगोदा क्योंकि जो मेरा एक और चैनल है फरिश्ते हेल्पिंग हैंड जो कि हमारी एनजीओ का चैनल है उसमें चाचा के लिए वीडियो बनानी है तो मैं जा रहा हूँ खरगोदा ठीक है अम्मी ठीक है बाय। तो भाई मैं आ गया हूँ दादी के घर पर दादी के पास जाता हूँ अंदर सलाम दुआ करता हूँ थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखो भाई चाचा की बिल्ली चाचा ने हमारे कैट रखी हुई है क्या नाम है इसका आशु जेरी। हाँ जेरी 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 हाँ ये देखो भाई जेरी बहुत कमजोर है अरसु और चुन्नू की तरह कमजोर है बिल्कुल। जेरी वो एक और भी तो था ब्राउन कलर का वो भाग गया कोई पकड़ के ले लो वो है ही नहीं अभी यहाँ पे तो इसका मन नहीं मन कैसे लगता है इसका वो इसलिए तो कमजोर होगा इसलिए कमजोर होगा उसकी याद में इसका भाई था बहन थी वो बहन अच्छा दोनों बहनें थी बहन थी एक भाई था एक बहन थी ये भाई है हाँ ये भाई था वो बहन थी वो बहन थी है वो भाग गई बहन भाग गई इसकी बताओ भाई इसकी बहन भाग गई यार कोई छोड़ यार उसे कट्टे कितने उम्र की कितने साल का है 6-7 महीने का होगा तो 6-7 महीने का नहीं या 1 साल होगा 1 साल होगा 1 साल की इसकी बहन जवान लड़की भाग गई भैया बिल्ले के एक दिन इसने थप्पड़ मारा गुद्दी पे। ओ जेरी तेरी बहन भाग गई तेरी बहन भाग गई बहन भाग गई तेरी बहन भाग गई बताओ भाई इसकी चाचा इसकी बहन भाग गई बताओ भाई हैं कोई एक्शन लिया फिर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी है भाई चलो मिल जाएगी बता दे कुछ बता दे ना किसके साथ भागी भाई कोई शक है तेरी बात ऊपर तक जाएगी अब तो चलो भाई ढूंढेंगे इसकी बहन को भी ठीक है। तो भाई आ गया मैं खरगोदा से बहुत ज्यादा धूप हो गई थी तो फाइनली मैं गया था बता दूं चाचा की वीडियो शूट करने के लिए जैसे मैंने शायद बताया होगा पीछे वाली वर्डिंग्स में अपनी तो चाचा की वीडियो बहुत अच्छी शूट हो गई है। तो फरिश्ते हेल्पिंग हैंड्स चैनल जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है खाओ पाओ की जस्ट नीचे ही तो उस पर जाकर क्लिक करके देख लेना कि हम उसमें एनजीओ के किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं चाचा काम कर रहे हैं उसमें मैं भी करूँगा तो फिलहाल तो चाचा ही काम कर रहे हैं तो चाचा की वीडियो शूट कर लिए। अभी अम्मी बना नहीं रही है काट रही है वाटर मिलन ठंडा। हाँ भाई ठीक हो गया तू हाँ ठीक हो गया हाय हाय सब्जी क्या बनाई है आलू सोयाबीन का चूरा आलू सोयाबीन का छोटा मैं पहले तुझे वाटर मिलन दे दो मैंने पिछले 2 साल से नहीं खाया तरबूज पिछली गर्मी में खाया था मैंने आप कितना खाया रमजान के महीने क्यों खाया रमजान के महीने में मैंने खाया नहीं कुछ भी ला फटाफट दे दो काटो तो मैं वाटर मेलन खाऊंगा मैं झूठ बोल रही है बट मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है थोड़ा बहुत वैसे इक्का दुक्का टेस्ट कर लेगा बट आज खाऊंगा अच्छे से इसको कट करके फ्रिज खोल ये देखो इसकी गर्दन या तो फ्रीजर की साइड रहती है या अम्मी की साइड रहती है जी कैसे ये देखो भाई मैं गुस्से में काट रही है तरबूज क्या हो गया अम्मी है क्या हुआ एक कतले देखियो नहीं कतले कतले ये देखो नाल काट दे नाल काट दे आदमी की रोटी खा ली तुमने हाँ को खाना दो क्या हुआ मैंने वो भिगो कर रख दिया हुआ नाल काट दे आदमी की ले रहा हूँ अम्मी का गुस्सा भाई तरबूज के ऊपर दिखाई दे रहा है ये अरे गुस्से की बात नहीं है बात ऐसी करते हैं बस कौन तेरे पापा क्या घर में अगर कोई सबसे घटिया इंसान है ना अगर सबसे घटिया कोई इंसान है तो वो मैं हूँ ये देखो भाई इनकी ना बहस हो रही है दोनों की गुड़िया के पापा हमारे घर में अगर कोई इंसान सबसे घटिया है क्या अगर सबसे घटिया कोई इंसान इधर आ जाओ कौन तुझे कौन लगता है कौन पड़ा वो पड़ा अगर सबसे बढ़िया इंसान कोई है इस घर में वो कौन है सबसे बढ़िया इंसान कोई है तो कौन है पापा अम्मी पापा ना सिर्फ मैं बता रहा हूँ आज मैं बता रहा हूँ सबसे घटिया तो ये है नहीं सबसे बढ़िया इंसान मैं आज बता रहा हूँ तुझे इस घर के अंदर कोई है तो वो मैं हूँ तो वो गुड़िया है
सुनो, घर का सारा काम संभाल लेते हैं, अपनी मम्मी को एक काम के हाथ नहीं लगाने देती। आप बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, क्या हो गया? देख खुद की तारीफ पे, खुद की तारीफ पे इसको यकीन नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे बच्चे अल्लाह हमें आना सबको दे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई ऐसी गुड़िया जो है सबको दे, इतनी मेहनती, इतनी लायक बच्ची। इसका कौन सा शौक है? काम करती क्या? अरे काम करती है ना सारा दिन। इनको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं, ऐसा लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। माँ को और बेटे को भी, माँ बेटे को दोनों को ऐसा लग रहा है मैं यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इनको पता ही ज्यादा तारीफ हो गई इनकी, इतनी वो करते नहीं है काम। हम मेरी तबीयत खराब रहती है, काम इस घर में अगर सबसे निकम्मा नालायक कोई बंदा है तो मैं हूँ तेरी अम्मी की नजर में। तेरी अम्मी की नजर में और मेरी नजर में ना सबसे निकम्मी यही है। और मैं क्या हूँ? और मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ तेरे बारे में? कैमरा बंद होने के बाद बोलूंगा। सिर्फ पोगो के लिए लेके आया, कह रहा है कि इससे कुछ अच्छा चीज बनाऊंगा उसके लिए। घर बना रहा हूं मैं। घर कैसे बना रहा है? देखता रहा तो जुगाड़ इसका, पता नहीं हाथ पे ना लग जाए जान से। ये देखो भाई, नासिर भाई बना रहे हैं पोगो के लिए घर। इसको कट कर रहा है, इसको इसको ऐसा तोड़ ले, टूटे नहीं, नहीं तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। घर कैसे बनाया इसका? इसको ऐसा रखना है, ऐसा इसका बच गए भाभी, देख पेट में मार देता अभी। तोड़ देना इसको बस भाई भाभी। ये लो तो भाई फाइनली, अब बता भाई नासिर इसका ये एंट्रेंस हो गया है। ये देखो भाई नासिर भाई ने कितना अच्छा एंट्रेंस सुना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुर्गी के बच्चे थोड़ी है भाई। मुर्गी के बच्चे ये ऐसे रखे जाएगा, इसके अंदर उसका जो बिस्तर होगा, बिस्तर जो पाइल आया है, वो इसके अंदर रखा जाएगा, वो इसके अंदर बैठेगा, जब उसका दिल करा बाहर निकल के ऐसे अंदर। वाह भाई वाह भाई वाह, क्लैपिंग कर दो भाई नासिर भाई के लिए। वाह भाई वाह भाई वाह, लड़के नहीं पता चोरी। चलो भाई।